देखो मानयोग कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक होर भी सीनियर अफसर जिहड़े बार बार मतलब माड़े जिहड़े लोग ने काम करते हैं उन्होंने खिलाफ जिहड़ी मुहिम चली थी उस संबंध में काफ़ी देर तो सानूं इनफॉर्मेशन सी कि फतेह सिंह कलोनी के एक परिवार है जिहड़ा बाहरों लड़कियां लिया के बड़ा चंगा धंधा करते हैं तो इस संबंध में प्रशासन को सूचना मिली ये सब इंस्पैक्टर अमरजीत के नाम लैके जो चौकी चार उस जगह पर रेड किया फतेह सिंह कलोनी गली नंबर 5 जिथे रेड करके करीब 7 लड़कियां तो 5 लड़के मरवा दिए थे। देखो माननीय कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक होर भी सीनियर अफसर जिहड़े बार बार मतलब माड़े जिहड़े लोग ने काम करते हैं उन्होंने खिलाफ जिहड़ी मुहिम चली थी उस संबंध में काफ़ी देर तो सानूं इनफॉर्मेशन सी कि फतेह सिंह कलोनी के एक परिवार है जिहड़ा बाहरों लड़कियां लिया के बड़ा चंगा धंधा करते हैं तो इस संबंध में प्रशासन को सूचना मिली ये सब इंस्पैक्टर अमरजीत के नाम लैके जो चौकी इंचार्ज ने उस जगह पर रेड किया फतेह सिंह कलोनी गली नंबर 5 जिथे रेड करके करीब 7 लड़कियां तो 5 लड़के बरामद किए। इस परिवार के जिहड़े लेडी है उहदा मेन रोल सीगा हसबैंड वाइफ का वो यही ही काम करते आ रहे थे काफ़ी देर तो करते कि सी कि लड़की अगर किसी लड़के या मीरजादे पेश करनी तो जिन्हें पैसे मिलते सी अद्धे पैसे वाप रखते थे तो लड़कियों अद्धे पैसे दे देंगे सो इन्हों असी ब्रेकअप करके असी केस रजिस्टर किया इन्हों खिलाफ तो अगली कार्रवाई अमल च लिया। हाँ जी एक लड़की नाबालिग भी है और संबंध में असं वक्त तौर पर गलबात कर रहे हैं। इस बैकग्राउंड के बारे अभी वेरीफाई कर रहे हैं जो भी हालात होंगे फिर तुम्हारा शेयर किए जाते नहीं अपना घर से जी करीब ना 10-15 दिन 20 दिन तो ना असं लगे सके कि इन्फॉर्मेशन कोई आ जाए निगरानी तो सर अंडर सर्वेलेंस सो कल पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली थे फिर असी रेड करके सात लड़कियां सी ते 5 लड़के सी संचालक मेन संचालक गिरफ्तार किए जी असी ये लेडी ना उहदा हसबैंड है दोनों गिरफ्तार नहीं ना तो काल्पनिक असी दसांगे कोई भी है तो असल मैंडेटरी नहीं ना दस हूँ तो कार्रवाई से मुकदमा दर्ज करता है इन्होंने खिलाफ तो हूँ के पेश कर चल रहे हैं पेश करके जो भी होर हालात होंगे होर कुछ नवे तत्थ आएंगे फिर मेडिकल बिल्कुल करावे जी हाँ जी नहीं हूँ करोना टेस्ट ही होने पेश कराने तो बाद फिर करोना टेस्ट करावे थैंक यू।